जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल में ब्लड की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला के परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बोर्ड प्रशासन को स्थानीय अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी की सूचनाएं मिली थी, जिस पर बोर्ड सचिव धर्मेश रमोत्रा ने बोर्ड कर्मचारी संघ से बातचीत करके रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल में ब्लड की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला के परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बोर्ड प्रशासन को स्थानीय अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी की सूचनाएं मिली थी, जिस पर बोर्ड सचिव धर्मेश रमोत्रा ने बोर्ड कर्मचारी संघ से बातचीत करके रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया था, जिसे अमलीजामा पहनाते हुए शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार बोर्ड प्रशासन ने टारगेट तो अधिक रक्तदान का रखा था, लेकिन सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य के पास 35 यूनिट ही रखने की क्षमता है, जिसके तहत प्रयास किया गया कि 35 यूनिट का लक्ष्य पूरा हो जाए। रक्तदान स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, रक्तदान के बाद नई रक्त कणिकाएं बनती हैं, ऐसे में स्वस्थ शरीर के लिए कुछ अंतराल बाद नियमित रूप से रक्तदान आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कर्मचारी संघ के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया तथा भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव धर्मेश रमोत्रा ने बताया कि हाल ही में निर्णय लिया गया था कि शिक्षा बोर्ड में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। हमें सूचना मिली थी कि जोनल अस्पताल धर्मशाला में खून की कमी बनी रहती है, जिस पर निर्णय लिया गया कि रिवायत बनाई जाए कि कर्मचारी रक्तदाता के रूप में आगे आएं। नियमित तौर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा रक्तदान करने से जोनल अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को दूर किया जा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि आज पिछले कल हम लोगों ने पिछले कुछ वक्त डिसाइड किया था कि शिक्षा बोर्ड के इस परिसर में हम एक रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। ये सूचना मिली थी रिलायबल रिसोर्सेज से कि हमारा जो ये जोनल हॉस्पिटल है, यहाँ पे रक्त की काफ़ी कमी रहती है। तब हमें लगा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें आगे बढ़ के ये स्टेप लेना चाहिए कि यहाँ पे क्यों ना एक रिवायत सी ऐसी बनाई जाए कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ब्लड डोनर के रूप में आगे आए, और जो ये जोनल हॉस्पिटल की ये कमी रहती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिए को कैटर करता है, काफ़ी बड़े एरिए को फीड करता है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स या इमरजेंसीज रहती हैं जहाँ रक्त की आवश्यकता रहती है। तब एक ये विचार आया था कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर वहाँ पे ब्लड डोनेट करे और रेगुलर इंटरवल में करे, तब क्योंकि प्रोसेस ऐसा रहे कि साल में 3 या 4 या 5 शिविर ऐसे लग जाएँ तीन महीने के अंतराल में, ताकि जो जिन लोगों ने आज डोनेट किया है वो आफ्टर 90 डेज वो फिर से एलिजिबल हो जाएं, और ये प्रक्रिया आगे चलती रही और लोग भी इससे जुड़ते रहें।